हर एक मुश्किल को मेरे मुस्तफा आसान कर दे। मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 184 इस असर 12-13 के हदीस पाक के अल-हदीस में मसूदी नबी अल्लाह तआला ने قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكتن سياحين في الارض والنجوم من امتي السلام। हदीस पाक के तर्जमा से कबल एक वाक्य सुने, तफसीरी नईमे के अंदर वाक्य मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा सहाबी है, सरकार के बारगाह में है। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, कल कयामत के दिन 3 आदमी मुझको नहीं देख पाएगा। सरकार के बारगाह में सवाल अर्ज करते हैं, आका वो बदनसीब कौन होगा जो आपको नहीं देख पाएगा? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, नंबर 1 जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी किया है वह कल कयामत के दिन मुझको नहीं देख पाएगा। अब जो हजरात अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है वह देख ले मैदान महशर का अंजाम क्या होगा। फिर सरकार के बारगाह में हजरत अबू हुरैरा सवाल करते हैं, आका वो दूसरा आदमी कौन है जो आपको नहीं देख पाएगा? सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, दूसरा आदमी वो है जिसने मेरी सुन्नत को पाया, उसने छोड़ दिया, अमल न किया। मिसाल के तौर पर दाढ़ी रखना ये सरकार की सुन्नत है, दस्तरखान पर खाना सरकार की सुन्नत है। तो सरकार ने फरमाया, जिसने सुन्नत को छोड़ दिया वो मुझको नहीं देख पाएगा। और जो नंबर 3, फिर पलट के इस बारगाह नसूल में सहाबी अर्ज करते हैं, आका वो तीसरा आदमी कौन है जो आपको नहीं देख पाएगा? तब सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़े वह मुझको नहीं देख पाएगा। हम अहले जमात है कि नबी पर सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो बेयकीन कल कयामत के दिन अपने नबी को ज्यारत करेंगे। हमारे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदो पे भी बरसा दे, बरसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे